कितने सांप मिले थे? 36 और सारे के गला ठीक थे। अच्छा हाँ, मैंने कोई नव मोल लिया था ना, जितना फर्श पड़े थे ना, जितने ईट पड़ा उतने सांप निकले। छत्तीस की बात है, जब पट पड़ा तो टाला रहा था, दिन की बात है। बिल्कुल, तो 36 पकड़े थे, बोरे पर गए थे हमारे। एक भी बताया कोने अभी क्लियर होने दो जी। पहले इसके अंडे उठा दें, पहले तो अंडे कहाँ पर हैं जी? अंडे वो भरे हुए हैं, अंडे भी। अच्छा, सेज आ चुके हैं। ये रहे अंडे, ये अंडे लागे जिसके अंडे उस तरफ दिखा चुके हम। पद्मनाग पाओ गए तो इसके रेस्क्यू के लिए मैं ये तो नाग भी और पद्मनागिन होती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल नजदीक से तस्वीरें, जीव निकाला है, जीव हरकत में आ चुका है आसपास। इसके साथ यहाँ अंडे खतरनाक साफ हो गए। ये अंडे हैं नागिन के और भरे हुए हैं, जैसा कि सतीश पवड़ाना ने बताया है कि इसलिए डाल रहे हैं अगर भाई जो अंडे है ना उसने तापमान की जरूरत और नमी की भी, अगर गिल्ली मिट्टी नहीं होगी तो अंडे खराब हो जाएंगे। जो बच्चा है उसके अंदर अगर उसने तापमान ना मिला तो भी बच्चा खराब हो जाएगा, और अगर नमी ना मिली तो भी बच्चा खराब हो जाएगा। तो इस वजह से गिल्ली मिट्टी थोड़ी सी हल्की जिसमें नमी हो 33% 35%, जिस तरह लड्डू सा बुझ गया, जिस तरह हमारी बिजाई करें ना ऐसे। अंडों को नमी की जरूरत होती है? हाँ, अंडों को नमी की जरूरत होगी। लेकिन वहाँ तो मैं सूखी मिट्टी में है, अंदर दीवार थी ना, वो दीवार थी, दीवार की नमी थी, जो साफ ही मिल जाए छोड़ा जाएगा। इसके ऊपर मिट्टी डालोगे आप? अंडे जंगल में छोड़ेंगे जी, लोकेशन देख के और उन्हीं के साथ छोड़ेंगे। हाँ, किसी खो के अंदर, किसी दरार के अंदर जो है, ये सांप के जो अंडे हैं वो आपको यहाँ नजर आते हो, जो इसकी खो है उसमें से निकाले। और इसमें जी एक चीज और सीखने ने मिली है, अब की बार मैंने इतने साल हो गए सांप पकड़ते, मैंने कई जगह सांप पकड़े, सेखूपुर पकड़े, पानीपत भी पकड़े, और एक अभी भी मैं गया था, कौन सी जगह थी मंजीत भाई भी गए थे, वो भी पानीपत ही थे, और बच्चे निकल कर चले गए अंडों के पास थे, लेकिन मादा फिर भी अंडों के पास आ गई। ये चीज पहली बार देखी हमने, नहीं तो अंडों में से जो बच्चे निकले अंडों के पास आ गए दोबारा। अभी दो दिन पहले भी हमने वीडियो बनाई थी उसकी, पानीपत में टोल टैक्स के पास ही की बात है, तो वो बच्चे तो निकल कर चले गए, अंडे खाली थे, फिर भी मादा उनके पास बैठी टोल के पास है। हाँ जी, हाँ जी, और किसी के तो नहीं अंडे नहीं, सांप के ये देखो जी भरे हुए हैं, देखो सांप है इनके अंदर, वजन भी है कई से, ये पकड़ा दे, ये देखो वजन, देखो आराम से देखो पकड़ के, देखो देख कदी नु मत अंडा सांप लिकट जा, सांप के एकदम लिकट जगह नहीं हो, तेरी मकार ले लेगा बस, ये देखो ये बल्ली का लगा सी फिर से जी, तेरे गला बदला होगा दोबारा, जो नागिन के अंदर सांप पकड़ लिया जी, मैं सांप पकड़ लग रहा संग में, रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है, एक अंडे को आप देख सकते हैं रेस्क्यू कर लिया गया है लगभग, अंडे अंडे एक तो एक अंडे देवा ना 20 तो हो ही जाएंगे, और 20 अंडे चले जाओ, बस डालते चले जाओ। अच्छा जी, ये लो जी, पूरा तो पूरा नाग लोक बन जाता, दो तीन सभी के अंदर बच्चे हैं। अच्छा जी, चार, चार। कितना समय लेते हैं सर ये, मतलब पांच, पांच समय लगभग कितना? ये जी 60-80 दिन, लगभग 60 दिन लगा के चलो आप, 2 महीने कितने हो गए? पांच हो गए, पांच हो गए। अरे भाई दूर ना ठाओ भाई, देख ना ना ऐसा काम ना करो भाई, देख भाई बहुत रिस्की काम है, छह एक अंडे को छह यहाँ निकाला जा रहा है, सात जो है इसको जंगल में छोड़ा जाएगा, और जी बच्चे निकलने वाले हैं, देख नरम हो रहा है बिल्कुल, बिल्कुल तैयार है बच्चा इसमें अंडे के कारण, देख कई हिसाब है कौन सा का है, कौन से प्रजाति के, कौन सी प्रजाति, रेड स्नेक के हैं जी, रेड स्नेक, सात हो गए जी, तो सेट काटे आठ नाग लोग बनता सेट के, तो नो असन मनी फिर सांप पे सांप हो जाते हैं, नो तेरे पीछे है मनु, 11 काफी सावधानी से, बिल्कुल नरम हो रहे काल की दुनिया, बच्चा तैयार है इसमें 11 और बच्चा कौन दिखता, 12 13 14 15 15 100 निकलेंगे,
बाहर निकालने का सो सो तो अजगर के निकले जी सोना बोल लग रहा है कोतर सो अच्छा कोतर सो कितने सोलह और भी है हाँ जी सोलह काफी गहराई 17 पूरे अगर कोबरा होता तो 30-32 निकलते ओहो हाँ जी 18 है ये देखो हाँ जी हाँ जी हाँ जी पढ़ते हैं जानवर है ना कोई चीज का चुनाव करा तो सोच समझ कर करे उसने पता हुआ पहले सही भाई कौन सी जगह है लोकेशन भर चुका है सबसे पहले सही जब संतुष्टि हो जाने सही लोकेशन है तब अंडे दे जानवर वैसे अंडे नहीं दे 19 बस आ लिया जी सारे देख रहे 19 सांप के अंडे पहले और भी निकाल लेंगे इसमें तक ही आए थे नागिन के यही थे और भी आ जी नहीं कई बार कसी के लग कसी कुसी लग जाए 20 में भी आ गए जी ना और नहीं है भाई ये 19 और ये अंडे आप देख सकते हैं 20 22 तक तो दे दे घोड़ा छाड़ दे 19 अंडे भाई थोड़ा दूर दूर लो स्नेकमैन से बहुत रिस्की काम है देख वीडियो बाद में बना लियो थोड़ा किए गए हैं और ला भाई बना ले 19 अंडे का मतलब के 19 अंडे मतलब सांप के जो सनागिन के जो है बच्चे और ये उत्सुकता आप देख सकते हैं कितनी बनी है सभी जो है देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं ऊपर भी डालोगे इसमें जी हाँ भी जो है उनको उससे कुशल रखने के लिए मिट्टी डालने का काम जोड़ा हुआ है ना आधा बार होया कर आधा उसमें मिट्टी में होया कर अगर आपने किसी भी चीज का अंडा ना चाहे मुर्गी का भी अंडा पॉलिथीन में रखकर गांठ मार दी ऑक्सीजन नहीं मिली तो खत्म हो जाएगा बच्चा अंदर सांप को करो जी काबू किसकी शेठ जी कौन सा है अंडे देख का सांप को रेस्क्यू किया जा रहा है पूरा है मादा सांप के रेस्क्यू का क्रम जो है शुरू हो चुका है पीपल की होगा तो देख लेंगे आगे भी के समीप ही कहीं ना कहीं पास में अंडे थे और यहाँ पर देखा जा चुका है ये रहा ये समय काफी बड़ा सांप है ओ रेड रेड स्नेक जी बड़ा है वाटर स्नेक तो नहीं जी अंडे से मिलेंगे जी अंडे और भी पाओगे अंदर पूरा भी पाओगे 30 जी अंडे किसी ने जगह नहीं मिली आगे जाने की आगे जाने की जगह नहीं मिली और बड़ा लंबा रेड स्नेक रेड स्नेक ओह अल्लाह भाई ये भाई रेस्क्यू कर लिया गया है अंडो से बच्चे नहीं निकलते तब तक ये बेचारी भूखी रहे अच्छा अंडो की रखवाली करे कोई एनर्जी नहीं है अभी इसमें एनर्जी नहीं कुछ नहीं पड़ गई ना और हरकत भी कम है हाँ शरीर में अंडो के साथ ही छोड़ोगे हाँ अंडो के साथ ही और इसी डब्बे के अंदर ये देखो जी बड़ा शरीफ जानवर है बेचारा मिलन के बाद तो फिर नर तो चला जाओ ना मादा राजा वो मिलन के तुरंत बाद थोड़ा अंडे दे 40 दिन बाद देगी ना अंडे हाँ बस इसमें कपड़े में अंडे भी कपड़े में डालोगे ताकि उसके साथ बैठी रहे वो अभी जंगल में चले जाओगे जंगल में जाके इसने अंडों के साथ छोड़ देंगे उसमें मारा के दिक्कत थोड़ी सी मेहनत तो है तो रेस्क्यू कर लिया गया कौन सा रेड स्नेक है ये हाँ जी रेड स्नेक सर्व मित्र बोलते हैं किसान मित्र किसान मित्र क्या जानकारी है सतीश जी पूरा पूर्ण तरीके से बताइए बस जी हमें कॉल आई थी मैं भी घर पर खाना खा कर निमड़ा था शादी में जाना था मैंने भी ये बोले जी असन से बोल रहे सांप है पिपल के पास ही पकड़ लोगे मखा जी आगे पकड़ लेंगे बोले आ जाओ फिर महा भाई चलो पहले ही वो काम करा आगे देखा फिर उरा आएगा आने के बाद पता चला कि भाई अंडे भी हैं नहीं तो मैं भी अपने कैमरामैन ने भी बिठा लांदा भाई देखो जानकारी की चीज थी भी और अंडे भी भरे हुए हैं नहीं तो मैंने पानीपत वो भी खाली मिले सवाल का वो भी खाली मिले सेखुपरा वो भी मादा मिल गई लेकिन अंडे खाली थे बच्चे निकल कर चले गए लेकिन घूम फिर का वो फिर आ गई ममता इसी चीज है लेकिन ये अंडे ये दीवार तोड़ रहे थे तो अंडे भरे हुए जी, जी, जी। एक दो दिन में बच्चे निकलने वाले हैं और गो भी है गो। हाँ गो भी मिल गया गो का क्या कारण है सांप और गो एक जगह रह सकते हैं सांप के पास जैसे अब न सर्दी आ गई ना कोबरा के पास रेड
वो क्रेट भी मिल जाएगा, कॉमन क्रेट भी मिल जाएगा, कॉमन क्रेट भी मिल जाएगा, कोबरा के पास रेड स्नेक भी मिल जाएगा। कितने अंडे सर ये? और जो आपने सवाल करा था ना भाई सांप के पास किस तरह मिल गया, वो सांप के पास मिलने का चक्कर नहीं है, लोकेशन का चक्कर है। अब सर्दी आऊंगी, सर्दी साइड से आऊंगी, पिछु आता है ठंडी हवा, लेकिन इस साइड से पूर्व की साइड से सूरज निकलेगा, सीधी धूप निकला है, इन्हें धूप सेकनी होगा। तो इस लोकेशन में इस दीवार पे आजकल मिलेंगे या इस वाली इस साइड वाली दीवार पर मिलेंगे। कितने अंडे जो परले जिस साइड कभी धूप ही नहीं जाती ना उस साइड सर्दी में सांप नहीं मिलेगा उस दीवार में। कितने अंडे हैं? 19 अंडे इन्होंने गिने हैं जी, हम तो निकालने वाले थे। अच्छा कह रहे 19 है ये। तो बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, निकलने वाले थे। हाँ जी, जैसे नागिन पास हो और कोई उसको छेड़खानी करे काट भी ले। और काट ले क्यों नहीं, बिल्कुल काट ले। और नहीं तो सांप पकड़ने वाले गणे होंगे तो नहीं तो यहाँ भी पकड़ लेंगे, हमने क्यों बुलावा है। नहीं ठीक है, हम भी इनका धन्यवाद कर रहा भाई, नहीं तो मजदूरा ने कहा दिन दे मार दो तो लोग मार। शेठ जी ने तो बुला लो जी, चैनल का नाम बताएंगे। शेठ जी चैनल का नाम? हाँ या भाई काम की चीज है जी, मेरे चैनल का नाम है भाई, यूट्यूब पे चैनल है, सारी जानकारी तो उसमें। मेरे चैनल का नाम है स्नेक मैन हरियाणा। हाँ जी शेठ जी आइए, आइए जी आइए, आइए शेठ जी। ये नाम है भाई का रवि, रवि अग्रवाल। कोई बात नहीं, रोज हम नौ भाई, हम भी रवि भाई का धन्यवाद करा। तो भाई नेक जानवर को नहीं मारा और हमें बुलाया जो हमारा काम है भाई, हमने भी सेवा करने का मौका मिला और भाई ने भी एक जीव की जान बचाई और एक जीव की कह गणी एक गो की जान बची, अंडे भी बचे। तो भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद करा। शेर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने, जीव की मतलब 19 जीव और एक किस की जान बचाई आपने, क्या कहना चाहोगे? छड़ी गई फिर भी जो भी चरी हो तो